बारिश भी बहुत तेज स्टार्ट हो चुकी है और पानी था जैसे स्विमिंग पूल है। पार्टी हो रही है या फारी हो रही है? गाड़ी का ब्रेक ही नहीं लग रहा। नमन की गोटी आ रही है। ये क्या सी पेपर लीक हो गया। ये तो पूरा बलोचिस्तान लगा पड़ा है। हाथ हिला दो, प्रैंक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन रजा नकवी और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हसन रजा व्लॉग्स। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ अब तक आप पहुँचें। तो गाइस माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हो ही गया जिस बात का हमें बेसब्री से इंतज़ार था और वो हो रही है बारिश माशाल्लाह से। कल रात से हमारी रोड़ी सिटी में बहुत तेज़ बारिशें हो रही हैं और बड़े अरसे बाद बारिशें यहाँ पे हो रही हैं। तकरीबन सारे पाकिस्तान में, सारे सिंध में तकरीबन हो रही थी, लेकिन यहाँ पे बादल आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन बरस नहीं रहे थे। और माशाल्लाह से अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। हल्की नहीं बल्कि बहुत तेज़ी हो रही है, ये आप देखें। आपके साथ तय ये हुआ था कि बारिश होगी तो हम आज जाएँगे कहीं ना कहीं बाहर। लास्ट व्लॉग आपने देखा हुआ जिसमें बाकिर से मैंने कहा था कि अगर बारिश हुई तो कल व्लॉग आएगा। सो बारिश हो रही है माशाल्लाह से हल्की हल्की और मैं भी गीला हो चुका हूँ, आहिस्ता आहिस्ता होता जा रहा हूँ। सो निकलते हैं अभी घर से और चलते हैं कहीं ना कहीं। आज आपको कोई ना कोई अच्छी जगह विज़िट करवाते हैं और ख़ुद भी विज़िट करते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं। हाँ जी बाकिर साहब, रेडी हो? ओके, हम रेडी हो गए। बारिश हो रही है बड़ी। बारिश में यही तो मसला है ना, मेरा चश्मा सारा गीला हो जाता है। तुम्हारा चश्मा गीला हो जाएगा, मुझे अपनी ये टेंशन है अगर हम चलेंगे कहीं रास्ते में फंस ना जाएं। हाँ ये तो होगा अभी। तो देखते हैं, रास्ते में फंस गए तो अल्लाह खैर करेगा, वगरना बेस्ट हो जाएगा। और बारिश भी हो रही है, देखते हैं, चलते हैं बाहर फिलहाल और मिलते हैं इरफान भाई वालों से भी, बाकिर से भी, और नजब भी हमारे वेट में खड़ा है। चलते हैं फटाफट बाहर पहले। अच्छा गाइस, आयत अभी अभी बाहर से आई है अपनी चीज़ें लेके। तो आयत की हालत देख के मुझे गड़बड़ लग रही है। तो गाइस यहाँ पे मैं जब चीज लेने गई थी, इतना पानी था जैसे स्विमिंग पूल है। नहीं आप ये ना आएंगे किसी इतने गंदे पानी में? नहीं, मैं तो नहीं। तुम तो नहीं नहा के आई हो ना? पाँव नहा के आए मेरे। हाँ चलो चलते हैं बाहर, देखते हैं कितना पानी खड़ा हुआ है बाहर मोहल्ले में, बाहर क्या सूरत हाल है। होए होए गाइस, आप पूरा मोहल्ला देखें, पूरा पानी भरा हुआ है। और ये किसने कमेंट किया था कि रोड़ी में बारिश नहीं होती? तो देखिए ना कितनी बारिश हो रही है आज पूरा माशाल्लाह। रेडियो जल्दी बुलाओ नजफ को तो निकले यहाँ से। अच्छा गाइस, सुबह तकरीबन 6 बजे में इसी जगह पे खड़ा था, यहाँ तक पानी था, फुल पूरा यहाँ तक पानी। सुबह भी बड़ी तेज़ बारिश हुई थी और सुबह से ही बारिश लगातार चल रही है माशाल्लाह। अच्छा जी, तो आ चुके हैं फिलहाल मैदान करबला पे और इरफान भाई वाले बस यहीं पे आएंगे इंशाल्लाह। बाकी ये बाकिर वाले भी, सर तबीयत ठीक है? ये मुजावर साहब, ये बाकिर साहब, सर खैरियत है? सर तबीयत ठीक है? और माशाल्लाह से बारिश भी बहुत तेज़ स्टार्ट हो चुकी है और आप पूरा देखें, मेरे पीछे भी देख सकते हैं और आगे माशाल्लाह मौला का रोज़ा भी है। पानी पूरा भरा पड़ा हुआ है, ये देखिए पूरा ये भर गया यहाँ पे। स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल। मैं तो कहता हूँ तीनों इसमें डुबकी लगाओ यार, आपके साथ फटाफट लगाओ। मैं नहा के आया हूँ। नहीं नहीं, पहले आप डुबकी लगाओ एक। मैं लास्ट टाइम व्लॉग में वहाँ नहा के आया था। सो आपका स्विमिंग पूल प्लीज सर प्लीज। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं। मेरे जहन में कुछ जगहें अभी आई हैं जहाँ हमें जाना है। अगर सबका फैसला वही बना, हम सब उस बात से मुत्तफिक हुए तो वहाँ जाएंगे, वगरना देखते हैं यहाँ आसपास कहीं जो मेरे माइंड में चीज़ चल रही है। अगर वहाँ गए तो इंशाल्लाह आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है और बहुत ही कमाल का होने वाला है। अच्छा जी, तो नजफ भाई भी पहुँच चुका है। नजफ भाई आए हैं अभी। सर तबीयत ठीक है? फुल पैकिंग सिस्टम आप देखें। दयालावाल कहाँ का प्लान है आज, कहाँ चले? देखते हैं कहीं ना कहीं चलते हैं। हाँ भाई ने यार देर की है बड़ी, आधा घंटा हो गया है, पता नहीं इसमें कोई बीमारी है लेट करवाने की। कल भी देर हो गई थी, कल भी 45 मिनट लेट। ओ कल भी लेट कर दी, पिछले व्लॉग्स में भी देखा होगा तकरीबन लेट। बहरहाल अभी भी खड़े हैं उन्हीं के इंतज़ार में जब तक वो आ जाएं शाह साहब। बारिश भी आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होती जा रही है माशाल्लाह। मौसम तो माशाल्लाह है बेस्ट।
लेकिन ये बारिश बेस्ट है फिर भी कुछ। अच्छा सब सुनो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। सुनो भाई क्या बोल रहे हैं, अभी हम चलेंगे जो मैंने आपको जगह बताई, ठीक है? इरफान भाई आएगा वो मेरे हिसाब से बोलेगा नहीं, आप सब ने जिद करनी है कि वहाँ चलना है, पहले मैं कहूँगा फिर आप सब उस पर बोलना, ठीक है? रेडी हो गया जब तक आ जाए। तकरीबन 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 पिछले व्लॉग की तरह इस मरतबा भी एक घंटा लेट शाह साहब पहुँचे हैं। भाई क्या करें, थोड़े ये देखें सेपरेट अपने जैसे कि कहीं भी खड़ी ना हो जाए गाड़ी, हमने अपना सिस्टम करके आए हैं कि कहीं अल्लाह खैर करे दूसरी जगह पर जा रहे हैं कि बीच रास्ते में हमें मैकेनिक नहीं मिले स्टार्ट करने के लिए, तो बंदोबस्त पे भी किया है और आपकी गाड़ी में भी करके ही आया हूँ। हाँ वो मैंने देखा है माशाल्लाह अच्छा सिस्टम कर लिया है। हाँ ये देखें बंदे जब भी बरसात होती है तो इस मीटर को नहीं सिर्फ डाकते क्योंकि ये सर्किट इसका शॉर्ट हो जाता है, फिर खड़ी हो जाती गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, इसका मीटर शॉर्ट हो गया तो यानी फिर आपको पैदल सफ़र तय करके आना पड़ेगा, जहाँ भी आप जितनी दूर जाएंगे फार होके आएंगे। चलो अच्छा हो गया, शुक्र है आप आ गए, अभी निकलें। अभी कहाँ डिसाइड किया, कहाँ चलना है अभी? हाँ नजर भाई यहाँ हमें जाना है, वहाँ आपको चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा वहीं पर ही, वहीं पर जो बोला था बिल्कुल चलेंगे, मगर जो बीच का जो रास्ता है ना वहाँ पर वो कच्चे का है, वही तो है? वही तो उधर तो मजा आएगा ना जब गाड़ियाँ फंसेंगी बच्चों से धक्का चलाएंगे। हाँ ये बात होगी, एडवेंचर कराएंगे, एडवेंचर हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ निकलते हैं, बाकी अल्लाह मालिक है। चलो 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 बैठो बैठो, चार चार सौ रुपए का पेट्रोल डन हो गया बैठो 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 बैठो। गाइज आज हम जो जगह जा रहे हैं माशाल्लाह व्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है, वो जगह पहाड़ों से भरी हुई है माशाल्लाह, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे हैं, बहुत ही मज़ा आएगा आपको, कोई भी चीज़ मिस मत कीजिएगा, निकलते हैं फटाफट। यार मैं तो बोलता हूँ शाह शकरगंज पे चलो तो अच्छा है, ये करीब भी है वो थोड़ा दूर भी है, देखते हैं निकलते हैं जो प्रोग्राम बना। चलो चलो अच्छा जी, यहाँ पे नजब भाई अपनी बाइक के जो टायर्स हैं उन्हें चेक करवा रहे हैं, उनकी हवा हवा या कोई पंचर वगैरह तो नहीं, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे बड़ा मसला बन सकता है अगर टायर हमारा पंचर हुआ तो। अच्छा जी यहाँ पे बस ये पेट्रोल वगैरह डलवा लें जब तक, और मैं आपको बताऊँ कि जहाँ जा रहे हैं उस जगह का नाम बता रहे हैं अली अलमदार नाम है उस जगह का, वहाँ पे कोई ज्यारत है और माशाल्लाह से वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे हैं, निकलते हैं वसी के लिए, मौसम भी अच्छा है बारिश भी हो रही है, ये आप चेक करें माशाल्लाह मेन रोड, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, खैर खैरियत से जाएंगे, खैर खैरियत से आएंगे, आपको भी ज़्यारत करवाएंगे और ख़ुद भी ज़्यारत करेंगे, निकलते हैं बस जब तक आ जाएं ये पेट्रोल वेट्रोल भरवा कर। और वो जगह यहाँ से तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर यहाँ से दूर है, टाइम लगेगा तकरीबन 40 से 45 मिनट, निकलते हैं अभी, एक घंटा लग जाएगा मेरे ख्याल से वहाँ तक। डलवा दिया पेट्रोल, कितने का डलवाया? 500 लगता है, बहुत दूर है। गाइस आज माशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है और मौसम भी अच्छा है, बारिश भी बहुत अच्छी है, देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। देख रहे हैं हम जैसे कि यहाँ पार्टी हो रही है या फारी हो रही है, हम आगे जा रहे हैं जैसे कि पुल सुखा पुल पे पुगे हैं और हम आगे जा रहे हैं। जिस बात का डर था वही हो चुका है खैरियत से, अभी निकले हैं और गाड़ी खैर से ख़राब हो चुकी है, पता नहीं चेन उतर गई है पानी की वजह से, मेरे ख्याल से चेन उतर रही है बार बार नजब भाई की। आगे लेके आओ ऐसा हो तो हुआ, पहली खुआरी डन हमारी पहली खुआरी डन हो गई आज तो। गाड़ी का ब्रेक ही नहीं लग रहा था, लड़की को ठोक रहा है। वो बंदा बेचारा मरता आज। अच्छा जी नजब भाई की गाड़ी तो खैर माशाल्लाह से पहला जो हमारा मैकेनिक है वो सामने आप देखें बैठे हुए हैं और हम अंदर रिक्शा में आके बैठ गए हैं जब तक वो बना लें। भाई सर्दी लग रही है, मैं तो कहता हूँ इसको स्टार्ट करो इस पे चलते हैं, ऐसा ना वो आ जाए। ये जो बैठे हुए हैं वे भी उतार दे हमें। सो गाइस पहली खुआरी हो चुकी है,
देखते हैं आगे और कितनी खुआरियाँ हमारे नसीब में हैं। अल्लाह करे हम खैर खैरियत से पहुँच जाएँ। और बारिश भी माशाल्लाह बहुत ही स्पीड के साथ शुरू हो चुकी है। अभी सर्दी भी लग रही है और ये बहुत पानी जमा हो गया है, पानी से रोड पर बहुत ही ज़्यादा पानी जो है फंस गया है, तो कैसे जाते हैं आगे देखते हैं। कपड़े भी सारे गीले हो गए। लेकिन गाइस एक बार मज़ा बहुत आ रहा है। मज़ा है असल हम जो निकले हैं ना इस मज़े के लिए निकले हैं। ख्वारियाँ होती रहेंगी ज़िंदगी में, ऐसे भी बहुत ख्वारियाँ होती हैं चाहे बारिश हो या ना हो। अच्छा जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाइक बन गई। लाल बस आ रही है। आले आले आले। मैं तो कहता हूँ भाई इसमें हाथ ला दो भाई, हाथ ला दो, हाथ ला दो, हाथ ला दो, ये माशाल्लाह। तो गाइस हमारी माशाल्लाह से बाइक बन चुकी है, निकलते हैं अभी यहाँ से। बाइक दिखा दो भाई। वो देखो यार ये बूट क्यों नहीं पहन के आए बूट ठीक लगा दे स्लिप हो जाता है। चलो 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 बैठो 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 निकलें फटाफट से। अच्छा जी तो अभी मैंने अपनी जगह चेंज कर ली, मैं इब्तिसाम और नजफ़ इस बाइक पे हो गए और नजफ़ भाई को फिर पाँव में चोट लग गई है, वो लड़के को ठोक रहा था, गाड़ी आपने देखी होगी। तो इब्तिसाम मैं और नजफ़ इस बाइक पे हैं। माशाल्लाह मौसम भी बहुत अच्छा है अभी, माशाल्लाह से कुछ रास्ते अच्छे हैं। पीछे बहुत ख़राब थे, पानी बहुत खड़ा था। अब इरफान भाई वाले पीछे हैं, वो भी आ रहे हैं। अच्छा गाइस तकरीबन हमने आधा घंटे का सफ़र कर लिया है। रास्ते में बहुत ही पानी था, बहुत ही खड्डे, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहली वाली खुआरी हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी मरतबा गाड़ी ख़राब नहीं हुई, बेस्ट चल रही है। बस पहुंचने वाले हैं तकरीबन 15-20 मिनट्स में, इंशाल्लाह फिर वहाँ के मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। ये मौसम चेक करें आप, बहुत ही खूबसूरत लगा पड़ा है। अच्छा जी इस वक्त हम पहुँचे हैं, ये कोई इलाका है जिसका नाम है कंदरा, ये सामने मेन रोड है। और अभी जाएंगे या इस तरफ? हाँ जी किस तरफ जाना है, इस तरफ कि इस तरफ? ये भी जाएगा भाई, ये बार बार नहीं जाएगा, ये अंदर नहीं गया, अंदर ऐसे नहीं, बस इस तरफ से पानी खड़ा होगा किनारे अंदर। हाँ पानी खड़ा हो सकता है, बस यहाँ से सामने ही है इंशाल्लाह। अच्छा जी वंस अगेन जिस बात का डर था वही हो चुका है, प्रोग्राम बढ़ गया। यार पप्पा पप्पा बुला रहा है अपने पप्पा को, मर गए वंस अगेन खुआरी। अभी तो कोई यहाँ पर मैकेनिक भी नहीं है, अभी तो मैकेनिक सच में नहीं है, सारी हर तरफ जमीन है जमीन है। अभी तो भाई खतरा, प्रोग्राम बढ़ गया सर, प्रोग्राम बढ़ गया। क्या होगा? हाँ जी ये सामने जा रही है खुआरी, भागो भागो भागो। इस खुआरी को लेकर क्यों आए आप? खुआर हो गए वंस अगेन जी। अभी हमें जाना है वो सामने दूर एक मैकेनिक शॉप है, वहाँ पे भी अल्लाह करे मिल जाए। और बारिश भी बहुत हो रही है, बहुत बारिश हो रही है अभी इस वक्त, आपको नजर आ रही होगी मेरे ख्याल से। हम पूरे ही भीग गए सारे, सारे भीग चुके हैं, मेरी तो ये मोबाइल भी खैर से पूरी की पूरी गीली हो चुकी है, लेकिन शुक्र है हमने अपना काम किया है, ये सब अपना जुगाड़ लगा के आए हैं। भागो 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 भागो। अच्छा जी कुआरी हो चुकी है हमारी, उस गाड़ी की चेन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ख़राब हो जाएगी। बाइक को छोड़ के एसी कर लेने से बहुत मजा आएगा, नहीं तो पीछे फटा लगा रहे हैं बर्फ वाला वहां पे। ओए 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 अच्छा बाइक ओए ओए क्या यार हमारी बाइक से तो ये वाली गाड़ी अच्छी है। अच्छा बाइक वाली हाथ ला दो भाई, हाथ ला दो वो सामने आ रहे
सफाई का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने जो हमें वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। ओए भाई भाई ये देखिए मतलब तो गाइस बड़ी ख्वारी के बाद ऐसी गाड़ी सबके पास होनी चाहिए जो कि अर्जेंट बेसिस पे काम आती है। हाँ जी क्या एक्सपीरियंस है आपका? बस यार ऐसी ऐसी मुझे तो डर लग रहा है ये वाली गाड़ी की खड़ी हो जाए। मौसम भी अच्छा है, ख्वारी भी अच्छी हो रही है, बस क्या करें नसीब है हमारा। इरफान भाई ने सही बोला था, हमें नहीं जाना चाहिए था। देखते हैं अल्लाह करे आगे मिल जाए मकैनिक। अभी तो आगे और बड़े मसले हैं, ये तो मेन रोड है, आगे वाला जो रोड है वो बिल्कुल जी। तो यहाँ पे उतरे हैं अभी और ये सामने शॉप है, एक छोटे छोटे बच्चे हैं काम करते हैं बना रहे हैं। देखें दूसरी क्वारी टन हो गई, ये आठन की रोटी लेकर आया है। क्या लेकर आया? आठन की रोटी। आठ की रोटी यानी बीच वाली पे खड़ी कर दो भाई जल्दी, यहाँ पे सिर्फ नंबर ही चेंज होते जा रहे हैं। देख रहे हैं अभी नमन की गोटी आ रही है। नहीं खाई वही आया। ये क्या सी पेपर लीक हो गया। इरफान भाई की गाड़ी का पेपर लीक हो चुका है बिल्कुल। इसका जो कवर है वो हमने उतार दिया है, अगर कवर लगा पड़ा है तो कहाँ पे भी अगर चेन हमारी उतर रही है तो उसको बनाने में हमारे पास वो सामान नहीं है जिससे वो बने। अभी हम खड़े हैं यहाँ पे और यहाँ पे नजर भाई को लगी थी भूख, यहाँ पे ये जो लगे हुए हैं ये चीज। इरफान भाई अपने यहाँ पे ताल्लुकात निकाल रहे हैं, बहुत ख्वारी हो चुकी है आज और माशाल्लाह मज़ा भी आया ख्वारी के साथ साथ, भूख भी बहुत लगी। अभी अभी बस 10-15 मिनट का और सफ़र है, पहले इन्होंने बताया 20 मिनट का है लेकिन तकरीबन हमें एक घंटा हो चुका है आहिस्ता आहिस्ता, और ये रास्ते में जो गाड़ियों का ख़राब हो जाना बार बार उन वजह से हमें एक घंटा हो गया है यहाँ पे आते आते। अभी ये जी सामने ज़मीन है और ये भैंसें खड़ी हैं माशाल्लाह, मौसम भी अच्छा लगा पड़ा है। ये पता नहीं ऐसे क्यों देख रही है, पहचान रही है क्या तुम में थे किसी एक को? ओए होए होए आ रही है, इधर हो जाओ, माँ बोला रही है माँ। निकले तो वॉशरूम पीछा पीछा लगा तो आ जाओ। हाँ जाना है तो जाओ, बाकी गाड़ी में खड़े हो, चाबी लगी हुई है, चाबी देखो की। खिलाओ खिलाओ, ये क्या दे रही है सब? ये अच्छा है चलें जी खाते हैं। वाह फ्रेश चीजें खाने का मजा ही अपना होता है। यहाँ से खोले ये दो मिठू लीजिए। वाह बेस्ट, भूख बहुत लगी थी इसी बहाने ये चीजें मिल गई, मजा आ गया। आगे भी सफर है और वीडियो को मिस मत कीजिएगा, सारी देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको। आज आगे हम जिस जगह जा रहे हैं ना वो एक मौजज़ाना जगह है, वहाँ चल के आपको सारी मैं हिस्ट्री बताता हूँ कि वहाँ पे वो मौजज़ा कैसे हुआ था और वहाँ पे जो मुकीम है और वहाँ के लोगों से भी इंशाल्लाह पूछेंगे कि वहाँ की क्या हिस्ट्री है, वहाँ पे ऐसा क्या हुआ था। कोशिश करेंगे दोनों जगहों को कवर करें, एक जगह का नाम है अली अलमदार नाम से वो मशहूर है और एक जगह आगे है उसका नाम है अली अब्बास। तो इंशाल्लाह देख चलते हैं वहाँ पे और जो हमारा एक्सपीरियंस रहेगा आपके साथ वो भी शेयर करेंगे, पूरी उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे और आपको भी इंशाल्लाह ज़्यादा करवाते हैं। आज के दिन का जो हमारा लंच है दिस इज़
नजब भाई के साथ जो खुआरी हुई है ना आज, और इश्का को पकड़ के चलना, मैं तो कहता हूँ जब तुम रात को सो जाओगे ना, तुम्हारी बाहें तुम्हारे पांव उठ उठ के तुम्हें सल्यूट करेंगे। सल्यूट आज भाई वो उस जो हमरा था हमरा उसको इधर बिठा के आगे लेके जाता। सुबह आ जाए, आज मजा बहुत आया यार, मजा आया है ना। खुआरी और जो ना उसके बाद ये जो हमने ये टापा इसका खुलवा दिया कवर, ये खुलवाया उसके बाद जो है ना मुझे मुझे सांस पड़ गई है। अगर ये नहीं खुलता ना, हाँ। अगर दिमाग नहीं लड़ाते तो हम आगे जाके और खुआरी यानी ज्यादा हो जाती है। ये तो अच्छा हुआ क्या मैं वो जो जिस पे बैठ के क्या उसको चिंची बोलते हैं फटे वाले चिंची मिल गई। दरवाजा खोल के दिया, लड़के गए थोड़ा एक करने। अच्छा पता है हमें एक बंदा मिला यहाँ पे, उससे हम पूछ रहे हैं अभी कितना दूर है, बोल रहा है आगे पहाड़ों से पानी उतरा होगा, इतना पानी होगा, हो सकता है। अच्छा जी, बोल रहे हैं कि वो बहुत ऊपर है ना जगह, पहाड़ों पे है, तो वो बारिश जो हुई है तो पहाड़ों से पानी नीचे आता है, बोल रहे हैं नीचे बहुत पानी होगा, हो सकता है कि आप आगे ना जा पाए, तो कोशिश करेंगे वहां तक पहुंचने की। पानी जितना भी था उसको भी क्रॉस करके आए हैं, अगर वो पानी क्रॉस करने जैसा हुआ तो इंशाल्लाह क्रॉस करेंगे कैसे भी करके और आपको ज़ियारत करवाएंगे। निकलते हैं फटाफट, पहले लाइट भी बहुत हो चुकी है। अच्छा गाइस, जिस बात का डर था हमें वही हो चुका है, इरफान भाई वाले तो सही रास्ते से गए हैं लेकिन हम बहुत आगे निकल आए हैं, असल में जो जगह है वो बहुत पीछे है, हम बहुत आगे निकल आए हैं, अभी फिर से वापस जा रहे हैं इस तरफ। पता नहीं आज क्या हो गया है सबको, ऊपर से बारिश। इरफान भाई हमें लेने आए थे वहां से और ये सब यहाँ पे खड़े हैं। ये सब खड़े हमारे इंतजार में। इधर कहाँ चले गए जी, हम रास्ता ही भूल गए थे भाई, बड़ा आगे निकले गए। फिर से इरफान भाई वाले पीछे हम निकल आए हैं, पूरा सन्नाटा लगा पड़ा है यहाँ पे, पता नहीं फिर से हम रास्ता भूल गए, लगता है फिर से हम रास्ता भूल गए हैं, वो पता नहीं कहाँ है। बैठो बैठो निकले जल्दी। वो इरफान भाई वाले नजर ही नहीं फिर से। ओ शुक्र है शुक्र है, मेरी जो दिल ऐसे ऐसे हो रही थी बिल्कुल बाबा। एक तो देखे ना पूरा सन्नाटा लगा पड़ा है। वाह अच्छा जी, देखे सामने ये अभी नजर आए हैं कुछ हमें पहाड़ पहाड़। असल सीन तो अभी देखने वाला है, ये देखें पूरा दरिया लगा पड़ा है। भाई उतरो उतरो उतरो, देखो 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 उतर के कितना पानी है, इतना नीचे नहीं बाबा। ये सीन ये तो पूरा बलोचिस्तान लगा पड़ा है। ओए 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 ओए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ यहाँ तो पूरा दरिया लगा पड़ा है। ये अब इरफान भाई आ रहे हैं देखें। ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, एडवेंचर ये पहला कंप्लीट हो गया, पहला ही रास्ता इसकी चप्पल उतर गई। ये जी सामने आप देख रहे होंगे पहाड़, बस सामने ही है, यहाँ हमें ऊपर जाना है। बैठो 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 बैठो, आगे पूरी मट्टी है, रेगिस्तानी इलाका है, देखते हैं बारिश उतरेंगे। ये देखें पूरा पानी, पूरा पैर हमारा मट्टी के अंदर चला जा रहा है। अभी वही ओए
यहाँ से निकलो, आगे चल के बैठते हैं बाइक पे। ये देखे ना पूरे गाड़ी अंदर चली जा रही है। अच्छा जी, हम यहाँ तक तो पहुँच चुके हैं लेकिन आगे हम नहीं जा पा रहे, क्योंकि आप ये देखें बाइक से हमारे पास बाइकें, अगर हम यहाँ पे खड़ी भी कर देंगे तब भी हमें वहाँ तक जाने में तकरीबन एक घंटा लगेगा। और अभी जो कुछ ज़ायरीन थे वहाँ गए थे, वापस आए थे यहाँ से, उन्होंने कहा कि अगर आप वहाँ तक जाएंगे तो आपको कम से कम एक घंटा लगेगा, और ऊपर हर चीज़ बंद लगी पड़ी है बारिश की वजह से। तो इसी वजह से बस हमने सोचा कि यहीं से बस वापस जा रहे हैं, एक और जगह है, कोशिश करेंगे कि वहाँ तक पहुँच जाएँ, यहाँ तक नहीं आ सके। हालाँकि ये सामने है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये सामने देखिए, ये सामने है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में हमें कम से कम पैदल भी हमें एक घंटा लगेगा, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास। यहाँ से निकलते हैं, एक और जगह है, उस जगह का नाम है अली अब्बास, तो इंशाल्लाह वहाँ चल के आपको दिखाते हैं। अगर वहाँ भी दुआ करें कि रास्ता खुला हुआ हो, ऐसा रास्ता ना हो तो बेस्ट है। अच्छा जी, बस यहाँ से निकलते हैं, इरफान भाई की मेहरबानी। मैंने तो आपको पहले ही बोला कि यहाँ का ये आप जमीन देख रहे हैं, ये जैसे बाइक है, ये देखें, ये दिखाएं, ये बाइक आगे गए हम, ये फंस गए इसी वजह से, फिर ये गोल घूम के फिर यहाँ पर ही हमें खड़ी कर दिया। आगे जाएंगे तो और ज्यादा मुश्किलात हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं पहले भी आया था, हम तकरीबन 12-15 लोग थे, ऐसे बाइकों पे थे, 7-8 बाइकें थी, तो बहुत मुश्किलात आई थी। तो इसी वजह से वो मुश्किलात बचने के लिए अभी इतना टाइम बचा नहीं है, ऐसे समझो कि सूरज डूब गया है, शाम के 5-5:30 हो रहे हैं, तो अगर हम जाएंगे भी जिद करके तो फिर भी फंस ही जाएंगे, आगे नहीं पहुंच सकेंगे। जो पैदल उधर से आए वहां से अली अलमदार सामने, अगर नजर कैमरा क्या दिखा सकती है, तो वहां से वो पैदल आए, वो इसी वजह से कि गाड़ी वहां पर नहीं जा सकती, कोई भी भले कार हो, कोई भी गाड़ी हो, नहीं जाए, क्योंकि पहिए इसमें अंदर फंस जाते हैं। तो इसी वजह जो पैदल है वहां से यहां तक उनको 1.25 घंटा लगा यहां पर पैदल के हिसाब से। अगर हम आगे जाएंगे भी बाइकों पे, अगर मौसम सही होगा, जैसे धूप वगैरह होती है, तो आप 10-15 मिनट पर ऊपर पहाड़ी चोटी है वहां पर, जहां पर पीर बना हुआ है मौला के जुलजना के, वहां पर कदम का भी निशानत भी है, तो उस हिसाब से हम जाएंगे भी तो आम दिन पर, तो 10-15 मिनट हैं, बाकी अभी जो है बहुत मुश्किल है। मैं तो नहीं जाऊंगा, अगर आपके जो लड़कों की है, मगर इनको भी मैं नहीं छोड़ूंगा, आपको भी नहीं छोड़ूंगा, हाँ, क्योंकि अभी देख रहे हैं, अभी आगे अली अब्बास पे जा रहे हैं, वहाँ पर अभी उधर भी यहाँ पर ऐसा थोड़ा मौसम है, वहाँ के मुकीन जो रहते हैं वहाँ पर, उनसे पूछेंगे, अगर आगे इस हिसाब से सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर खैरपुर के तरफ रवाना होंगे। चलो वहाँ ट्राई करते हैं पहले, हाँ कोशिश करते हैं कि वहाँ ही हो जाए। ये सारे कांप रहे हैं सर्दी की वजह से, ये भाई देखो, ये हालत देखो, अब यहाँ तक ये नहीं गुजर सक रहे हो, तो आगे का क्या हालत होंगे देखो, आप खुद देखो। चलो निकलो निकलो। अच्छा जी, बस निकलते हैं यहाँ से, और अभी माशाल्लाह से बारिश भी रुक चुकी है, बस हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, और माशाल्लाह यहाँ पे अभी हवाएं बहुत चल रही हैं, ठंड भी बहुत लग रही है फिलहाल। ओह माय गॉड, यहाँ से निकल चुके हैं, बस यहाँ से निकलते हैं फटाफट, चलते हैं अली अब्बास। चलो 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 चलो, बैठो 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 बैठो, वापसी आ गए जी वहीं ट्यूबवेल पर। आहिस्ता आहिस्ता पानी, होय होय होय, उतरो 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 उतरो, चलो 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 ग्रास करो, चलो 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 चलो, ओए 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 ओए, पागल है क्या, आ रहे हैं 1-2-3 ओ भैया भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पकड़ो 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 पकड़ो, चलो जी। अच्छा जी, जिस जगह हम गए थे, जिस जगह का नाम था अली अलमदार, वहाँ पे ऊपर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम वहाँ आए थे, और वहाँ पे मौला की जुलजना के जो कदमों के निशान हैं वहाँ पे अब भी वहाँ पे हैं ज़मीन में। सो ऊपर वो जगह थी,
जहाँ हम नहीं जा पाए, और एक और जगह थी जिस जगह का नाम था अली अब्बास, वहाँ पे ऊपर कोई अल्लाह के वली हैं जो कि वहाँ पे दफन हैं, वहाँ भी नहीं जा पाए मजबूरी की वजह से। सो इसी वजह से अभी देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं। इरादा ये था कि वहाँ जाएं, लेकिन आपने खुद देखा नहीं जा पाए। सो इसी वजह से देखते हैं यहाँ से निकलते हैं इस गाँव से, फिर आगे जहाँ जाएँगे इंशाल्लाह आपको बताते हैं। अच्छा जी, ये सामने आप देख रहे हैं वाइट वाइट, है कि हम कर रहे हैं इरफान भाई वालों के साथ प्रैंक। वो ऑलरेडी डरे हुए हैं कि कहीं हमारी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए। और ये आप रास्ता देखिए, रास्ते में भी कोई भी पेट्रोल पंप नहीं है। अब नजफ़ भाई को मैंने बोला कि अपना स्विच ऑफ कर देना, नीचे से पेट्रोल की जो टंकी होती है उसे आप खोल देना, वो समझेंगे पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। देखते हैं उनका रिएक्शन क्या है अभी इस बात पर। ओ माई गॉड, पेट्रोल पूरा हो गया। हमारा पेट्रोल पूरा हो चुका है, पेट्रोल है ही नहीं गाड़ी में, कहाँ से गलती करूँ उसको मैं। पेट्रोल फिट तो आया। आओ भाई देखते, देखो देखो गाड़ी में। अरे यार तुम वो खोलो तो सही, अंदर जी का टार्च होती है, टार्च मारो भाई। जी जी हीरो पेट्रोल पे आया, पेट्रोल पे वो आजकल पाने बंदों का शरीर पे भूत हवाला पंजे से पेट्रोल पे आया फिर थी मोटर। हाय हाय हाथ हिला दो, प्रैंक हो गया। नहीं, 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 पता है इसकी हराम पाई। A few moments later, अभी तकरीबन मगरिब हो चुकी है और अभी इस वक्त हम खैरपुर में खड़े हैं और वंस अगेन इंक्वायरी बाइक वाली शुरू। चलो चलो आगे चलो, बारिश भी तेज होगी अभी बहुत। जहाँ हम गए थे पहले वहाँ से खैरपुर सिटी बहुत करीब था, तभी हम यहाँ निकल आए और अभी वंस अगेन ये ख्वारी हो गई है हमारे साथ। अच्छा गाइस, तो फाइनली घर पहुंच चुके हैं और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूं कि आपको ये व्लॉग पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप तक आ पहुंचे। और जिस जगह आज हम नहीं जा पाए हैं ऊपर ज़ियारत करने, इंशाल्लाह आपसे मेरा प्रॉमिस है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वहाँ ज़रूर जाएंगे और ऊपर भी आपको ज़ियारत करवाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद, खुदा हाफिज़, अली हाफिज़।